लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सीटों की हार की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया था। अब उन्होंने सभी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, सचिवालय जाना भी छोड़ दिया है, सरकारी गाड़ी भी नहीं ली है। किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने रामायण की चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए लिखी थी। इसके बाद उनकी मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई। तब माना जा रहा था कि मीणा ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि मुख्यमंत्री ने उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। इसके कुछ दिन बाद भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा से मिले, उन्होंने मनाने का दौर शुरू हुआ। ये सब देखते हुए माना जा रहा था कि मीणा शायद अपने फैसले से पलट सकते हैं, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही उन्होंने सभी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल बंद कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री मीणा दौसा लोकसभा सीट से अपनी भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो दौसा महुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के प्रचार में जुट गए। उस वक्त उन्होंने पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों की जिम्मेदारी लेते हुए बयान दिया था, अगर दौसा महुआ सीट से भाजपा की हार हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। चुनाव परिणाम आते ही मीणा ने एक्स पर पोस्ट पर इस्तीफे के इशारे का ऐलान कर दिया था। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल की अच्छी पकड़ है। इस्तीफे की पेशकश से वो सरकार को बताना चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान में अगर कोई बड़ा नेता है तो वो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा है। इस्तीफे की पेशकश ये भी बताती है कि पूर्वी राजस्थान में लोकसभा सीटों की हार की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उन्होंने सरकार को ये मैसेज भी दिया है कि जो भी कैबिनेट मंत्री जिस लोकसभा सीट के प्रभारी थे उन्हें हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे मीणा की नाराजगी की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद जिस तरह का पोर्टफोलियो उनको दिया गया उससे भी वो नाखुश थे।